शपथ ग्रहण होगी 2023 नवंबर दिसंबर में, तो कमलनाथ जी की होगी। एक और राज्य में बनी कांग्रेस की सरकार भाजपा का हो गया पूरी तरह से सफाया। जी हाँ, आपको भी चले कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद कुछ ही महीने में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले, लेकिन उससे पहले कई नेता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे। अभी इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्गी राजा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भाजपा में मुख्यमंत्री पद को लेकर होड़ मची हुई है, कई नेता लाइन में है जो मुख्यमंत्री बनना चाहते, लेकिन हमारे नेता सिर्फ एक है और वो है कमलनाथ, जिनकी बदौलत हम मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और आने वाले समय में सत्ता पर हम काबिज होने वाले और भाजपा का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको दिग्गी राजा यानी कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का ये पूरा भाषण सुनाते हैं। यहाँ के भाजपा के उम्मीदवारों की सूची मुख्यमंत्री की, शिवराज सिंह छोड़ने तैयार नहीं, भूपेंद्र सिंह तैयारी में है, हमारे भार्गव जी तैयारी में है, नरोत्तम मिश्रा तैयारी में है, हमारे नरेंद्र सिंह तोमर तैयारी में है, कैलाश विजयवर्गीय तैयारी में है, बीडी शर्मा भी अब तैयारी में है। अब सात लोग तैयारी में कमर कसे हुए हैं, सूट सिलवाए हुए हैं, कब मौका मिल जाए? लेकिन मौका नहीं मिलेगा। शपथ ग्रहण होगी 2023 नवंबर दिसंबर में, तो कमलनाथ जी की होगी। भाषण में आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर दिग्गी राजा लगातार भाजपा पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे और कह रहे कि जिस तरीके से भाजपा में मुख्यमंत्री पद को लेकर होड़ मची और लगातार हर कोई इस समय कई नेता ऐसे जो शर्ट पैंट सिलवाने की होड़ में लगे हुए, पर नंबर किसका आएगा ये तो सभी को पता है, क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में गिराई गई और भाजपा की सरकार चोर दरवाजे के साथ बनाई गई के बाद से लगातार कांग्रेस में आहत है और लगातार जनता में भी आक्रोश देखा जा रहा है और लगातार सड़कों पर उतरकर जनता लगातार शिवराज मामा की सरकार का विरोध करते हुए नजर आ रही। लेकिन इसी बीच दिग्गी राजा ने ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से सियासत में भूचाल आ गया है। जी हाँ, आपको पता चले कि जिस तरीके से दिग्गी राजा ने कह दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, जिसकी वजह से दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।